हेलो द्रास्तुते नमस्ते वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ डॉक्टर डुओ इन मेकिंग. आई होप आप लोग अच्छे होंगे. यू आर डूइंग गुड. एंड ऑलमोस्ट सारे बिल्डिंग्स के वीडियो आ चुके हैं हमारे यूनिवर्सिटी का. बस आपको बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 5, बिल्डिंग 6 ये सब दिखाना बाकी है. एंड बिल्डिंग 1 और पॉलीक्लिनिका 8 भी दिखाना बाकी है. पॉलीक्लिनिका एंड बिल्डिंग नंबर 1 आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाने के लिए कोशिश करेंगे. बट बिल्डिंग 6 और बिल्डिंग 2 और 5 ये अभी दिखाने के लिए कोशिश करेंगे. एंड टाइम हो रहा है ऑलरेडी कितना हो रहा है टाइम 10:18 टाइम 10:18 हो रहा है. एंड सॉरी इतना लेट में इतना रात में वीडियो आपके लिए बनाने के लिए. एंड जैसे कि हम लोग का एग्ज़ाम्स भी आ रहा है उसके बीच में और वीडियोस बनाना लाइक पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो हम जल्दी में सब वीडियोस बना देते हैं अभी. सो चलिए आपको बिल्डिंग नंबर 6 दिखा देंगे, 2 और 5 दिखा देंगे, जितना पॉसिबल हो पाएगा अभी दिखा देंगे. गाइस ये है अपना बिल्डिंग नंबर 6 जो कि एक पॉलीक्लिनिका टाइप है जहाँ पे वैक्सीनेशन वगैरह. तो गाइस यही वाला था अपना पॉलीक्लिनिका नंबर 6. तो यहीं पे वैक्सीनेशन वगैरह होता है एंड इट्स अंधेरा गाइस. सो गाइस यही वाला था अपना पॉलीक्लिनिका नंबर 6 यहाँ पे वैक्सीनेशन वगैरह होता है. एंड मोर ओवर यहाँ पे कुछ सीनियर्स की प्रैक्टिसेस वगैरह भी लगता है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये जस्ट दिनामो स्टेडियम जो है उसके ऑपोजिट में ही है. ये रहा दिनामो स्टेडियम और इसके ऑपोजिट में पॉलीक्लिनिका 6 जो कि हमारा कैंपस 6 भी है. बाकी चलिए आपको दिखाते हैं आगे. एंड हाँ क्लिनिक के अंदर इधर पॉलीक्लिनिका 6 के अंदर थोड़ा अलाउड नहीं है वीडियोस वगैरह बनाना एंड ऑल और हमें भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा. सो इसीलिए हमने वीडियो उसके अंदर नहीं बनाया. बाकी कोई दिक्कत नहीं है. चलिए आपको दिखाते हैं बाकी बिल्डिंग नंबर 2 और 5 एंड उसमें क्या क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं. गाइस ये है बिल्डिंग नंबर 2 जो कि एग्जैक्टली बिल्डिंग नंबर 4 एनाटॉमी डिपार्टमेंट के बाजू में है, साइड में है.
एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बिल्डिंग नंबर 2 लिखा भी है, ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग नंबर 2। फ़िलहाल ये बिल्डिंग अभी रिनोवेशन में है तो इसीलिए इसके अंदर जाके वीडियो बनाना मुमकिन नहीं था। बाकी ये वाला जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है बिल्डिंग नंबर 5, दिस इज़ द बिल्डिंग नंबर 5, दिस इज़ द सर्जरी डिपार्टमेंट यू कैन से। ये बिल्डिंग नंबर 5 है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, बिल्डिंग नंबर 5 लिखा रहता है, कॉर्पस 5, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बिल्डिंग नंबर 5 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बिल्डिंग नंबर 5। बाकी एरिया तो आप देखे होंगे, बिल्डिंग नंबर 3 है उधर, वहाँ पे जो है वो बिल्डिंग नंबर 3 है, ऐसा ही है ये एरिया। एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिक्शा बैठी हुई है वहाँ पे, जैसे कि आपको मैंने दिखाया बिल्डिंग नंबर 5 जो कि सर्जरी डिपार्टमेंट है एंड जहाँ की सर्जिकल क्लासेस लगता है, एंड बिल्डिंग नंबर 2 इट्स फॉर साइकोलॉजी क्लासेस एंड बायो एथिक्स की क्लासेस लगते हैं, कल्चरल स्टडीज़ की क्लासेस लगते हैं, कैंटीन भी है इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में, एंड इट्स लाइक दूसरे बिल्डिंग्स में जैसे जो भी है वैसे ही है, बस क्लासेस यहाँ पे क्या क्या लगते हैं वही मैं बताना चाहता था। एंड इधर लेक्चर हॉल भी एक है, वहाँ पे कुछ कुछ लेक्चर्स लगते हैं, जैसे कि हम लोग का तो एनाटॉमी का लेक्चर्स कभी कभी लगता था, उसके बाद जब से ये रिनोवेशन में गया है, ये बिल्डिंग करेंटली इट इज़ इन रिनोवेशन, तो अभी फ़िलहाल इस बिल्डिंग में क्लासेस अभी ज़्यादातर कुछ लगते नहीं है क्योंकि अभी ये रिनोवेशन में है। बाकी आपको 6 दिखाया, 6 में 6 इज़ अ पॉलीक्लिनिक का, जहाँ पर वीडियोस बनाने के लिए मुझे भी थोड़ा इंडिसेंट लगा तो मैंने उधर का वीडियोस अंदर का तो नहीं बनाया। बाकी वहाँ पे वैक्सीनेशन वगैरह होता है एंड सीनियर लोग का नर्सिंग वगैरह का क्लासेस भी लगता है। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 5 एंड बिल्डिंग नंबर 6। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग 1 एंड पॉलीक्लिनिक का बाकी रहा है, तो आई विल ट्राई एज सून एज पॉसिबल उसका भी आपको मैं दिखा दूँ, ठीक है। एंड हम लोग का बस्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का सफीवा में एक क्लिनिक है जो प्रॉपर अपना यूनिवर्सिटी का क्लिनिक है, बाकी तो सब लाइक प्राइवेट क्लिनिक्स है जहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह लगता है। सो देर आर यू नो अ लॉट ऑफ क्लिनिक जहाँ पे अपना क्लासेस वगैरह लगता है, बट जो अपना प्रॉपर यूनिवर्सिटी का जो क्लिनिक है वो है सफीवा में, क्लिनिक ऑफ बगमू, ओके। सो बाकी अपना एग्ज़ाम्स वगैरह गाइज आ रहा है, जोन 7 से एग्ज़ाम्स वगैरह है, तो उसके लिए भी हम लोग थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में बिजी रह जाते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियोस आएगा, वी विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ यू पीपल थ्रू इंस्टा व्हाट्सएप एंड यूट्यूब में भी हम पोस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा है पोस्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। एंड एज सून एज आवर एग्जाम्स गेट ओवर वी विल ट्राई टू गेट बेस्ट कंटेंट्स फॉर यू, नो डाउट्स। बाकी ये बस ऐसे ही देखती रहती है, कुछ बोलती नहीं है, पूछिए इससे गाइस, गाइस सब कुछ यही तो बोल रहा है, मिस यू गाइस फॉर अ लिटिल स्पैन ऑफ टाइम, विल कम बैक सून टू यू, यस वी लव यू ऑल गाइस, वी लव यू ऑल, ये आपका लव सपोर्ट ये बहुत ही जरूरी है, आप लोग लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल को आप लोग जितना लव देंगे उतना ही चैनल ग्रो करेगा, उतना ही अच्छा कंटेंट हम लाने के लिए कोशिश करेंगे। बाकी यू नो यू आर एवरीथिंग टू अस, बाकी दुआ में याद रखना, ख्याल रखना, इट्स योर डॉक्टर डुओ इन मेकिंग, मिलते हैं अगली ब्लॉग में जल्द से जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दस भी दानिया, Bye bye. Good night. Take care. Good night.